मैं मदीने से वापसी पर अपने वालिद के लिए उम्रा कर सकता हूँ, कर सकते हैं? बहरहाल कोशिश ये किया करें कि औरतें ना तो नमाज में आगे हों ना बराबर खड़ी हों। मियाँ बीवी एक दूसरे से 10 साल से किनारा किए हुए हैं, लाजमी बात है कि भैया खावन तलाक दे दे या औरत जो है वो खुलो करके तलाक हासिल करें। 10 साल बैठी रहे यानी बगैर खावन के, अगर शौहर में 2 तलाकें दी हैं तो उससे आप शादी कर सकते हैं। अगर पहले कोई गुनाह था दोनों तौबा करें। लोग मस्जिद में बारिश के लिए दुआ करवाते हैं, लोगों से पैसे लेके हलवा तकसीम करते हैं, ये हलवा तकसीम करना नाजायज है। इमाम अगर जुराबों पे मसा करता है तो हनफी मसलक में उसके पीछे नमाज नहीं होती। हनफी मसलक में मसा जायज़ है, लेकिन शर्त यह है कि अलमसु अलखुफैन यानी वो चमड़े के मोजे हों। फर्ज नमाज की कज़ा बाकी, नफिल भी कबूल होती है, तहज्जुद भी होती है, लेकिन फर्ज कज़ा पढ़ते रहें। सहीफे भी किताब को कहा जाता है, सोहफ़े इब्राहिम और मूसा। अगर आदमी को बार बार कतरों की शिकायत है तो नीचे कोई ऐसी चीज़ बांध सकता है जिससे उसके कपड़े भी ख़राब ना हों और हर नमाज के लिए नया वजू करें। मुर्गी के पंजे अगर खाएं तो जब मुर्गी हलाल है तो सब कुछ हलाल है।